जो भी चाहिए Z5 ऐप पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। जिस इंसान ने मेरे बीवी और मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली थी उसके साथ तो मैं कोई रहम नहीं करने वाला। उसके सारे पुराने केस खुलवाने जा रहा हूँ मैं। आपका भाई अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेगा, ये मेरा आपसे वादा है माई। अगर केशव का पुराना केस खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। देशमुख परिवार की एक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका इल्जाम उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सर ले लिया। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि उस एक्सीडेंट का असल जिम्मेदार आदमी कौन है। केशव के एक्सीडेंट में जिस इंसान की मौत हुई थी उसकी मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर मल्हार को कार एक्सीडेंट की सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात क्या हुआ था ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो बात हमने इतने सालों तक छुपा के रखी थी वो बात अब बाहर नहीं आनी चाहिए। आप ही वो वकील थे ना जो केशव के खिलाफ लड़ रहे थे। क्या आप जानती हैं उस रात को मौत किसकी हुई थी? आप बार बोलो। साहब केशव का फाइल मिल गया। और फाइल अभी के अभी घर लेकर आओ। जो पूरा भरोसा है कि केशव के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें देशमुख परिवार का कोई सदस्य जरूर मिला हुआ है, क्योंकि माइक केशव को नहीं उस परिवार के एक सदस्य को बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे वो सारा सामान चाहिए जो एक्सीडेंट में बरामद हुआ था। ये रुमाल उसी मरने वाले आदमी का है सर। धमाका होने वाला है, होने वाले सामूहिक विवाह के कार्यक्रम। ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा सामूहिक विवाह होगा कि माई कभी भूल ही नहीं पाएगी। इन्हेल इन्हेल इन्हेल। टेटनेस नहीं संपूर्ण, वो नशे का इंजेक्शन था। अब माई सीधा अपनी विदाई में ही उठे। संपू ये वही आदमी है जिसने माई को फोन किया था और ये वही आदमी है जो माई का पति बनेगा। हमारे दूल्हे राजा जो सामूहिक विवाह में बैठेंगे। पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा, मुझे किसी भी हालत में घर पे पहुंचना ही है। आज अगर हमारे आंसू बह गए तो हम राव साहब के मौत का बदला कैसे लेंगे कल्याणी? तुम्हें हम में या इस खूनी आदमी में से एक को चुनना होगा। सिंदूर का बदला हम मल्हार के खून से लेंगे। कहाँ है मल्हार? सारे फोटो फ्रेम्स गई कहाँ? मेरे पास है। इस गांव के हर दुकान का आखिरी फ्रेम तक मैं खरीद चुका हूँ। इस गांव में आपको फूलों की माला भी नहीं मिलेगी क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरी आई की फोटो लगेगी, ना कि उनके खूनी की। मल्हार राणे, अब तक तो तुमने हमारा सिर्फ गुस्सा देखा, अब हमारे ही हाथों लगेगा तुम्हारे अस्तित्व पर पूर्ण विराम। अतुल, अतुल, आओ साहब, क्या हुआ? देखो ये सब क्या हुआ। क्या? अप्पा। अतुल, तुम्हारे अप्पा नहीं रहे। पता है, मैंने सोचा था
जिस दिन हम दोबारा घर आएंगे ना, उस दिन साहेब आजमा कितने खुश होंगे। हम चीज से कैसे छूटे? भगवान ने फरिश्ते की तरह किसी सार्थक नाम के वकील को मेरे लिए भेज दिया। उस सार्थक ने मुझे जेल से रिहा करवाया। मैं हूं सार्थक, मलार मेरा भतीजा। भगवान की कृपा से मेरे हाथों कुछ ऐसा सबूत आया कि जिससे मैं आपको बेगुनाह साबित कर पाया। अरे ये चिट्ठियां कारण बन सकती है कल्याणी की खुशी का। हम कोर्ट में ये बात प्रूव कर सकते हैं कि अतुल बेकसूर था और वो जेल से बाहर आ सकता है। हम इन चिट्ठियों के वजूद पर ये प्रूव कर सकते हैं कि माधुरी को सुसाइडल टेंडेंसी थी, मतलब वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो अतुल बाहर आ जाएगा। सच? सार्थक जी, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये सब कैसे हो गया? ये सब कल्याणी के पति की मेहरबानी है अतुल। कल्याणी का पति? ये क्या मजाक है? कल्याणी की शादी कैसे हो सकती है? वो खुद एक बच्ची है अभी, वो कैसे? कल्याणी क्या, तो ये सब झूठ है। अरे कहो ना कुछ। पूछो इससे, क्या ये प्यार करता है तुमसे? अगर नहीं तो तुम इसके साथ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी। मांगो जवाब इससे। मलार जी झूठ बोल के ही सही, पर प्लीज मुझे रोक लो मलार जी, प्लीज। चली जाओ अपने बाबा के साथ। सुना मैंने पूर्वा जो कह रही। अपने मुंह को अभी के अभी ताला लगाओ वरना। बाबूजी, मैं आपको एक बात बता दूं, कानून में एक्ट नंबर 43 के तहत आपको इस जुर्म की सजा भी हो सकती है बाबूजी। देखो मेरी बात सुन। नहीं सुननी मुझे, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया। जो लड़की मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती ना, मेरे भाई के खिलाफ ऐसे घिनौने इल्जाम लगा सकती है, आई एम रियली सॉरी, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी। गुड्डन ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा, और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। बहुत हो गया तमाशा। जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। बेटा अब तो नाराजगी छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। वेदिका और साहिल की दूरियाँ क्या ला पाएगी वापस आर्या को अपने परिवार के पास, या ये दूरियाँ खड़ी कर देगी दीवार साहिल और वेदिका के बीच? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। एक % के लिए मान लेते कि आप जो बोल रही थी वो सही, मैं गया था ना पीछे ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप तहसील प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तहसील प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं जितना आप समझती है।
वो जा चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? बोलिए अस्मिता जी। वक्त की रंजिशों ने फिर घेर लिया है अस्मिता को मुश्किलों के बंधन में। क्या होगा अस्मिता का जवाब? बोलिए मैं जवाब चाहता। क्या वो अपना बहु धर्म निभाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।